जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग में नहीं देखा था किट्टो ब्लॉग्स के चैनल पे किट्टो का गेटअप ले देख लीजिए। आज किट्टो ने ये शर्ट पहन रखी है, ब्लाउज, ये नेकलेस और ये मैंने देखो ये नहीं पहना था, अगर मैं पहनती तो ऐसा लगता मेरे हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ा दो सैया ऐसे। अब सारी चीजें चेंज होंगी। देखे चूड़ा निकाल दिया है किट्टो रानी ने। बहुत मुश्किल होता है, मतलब मेरे सर में इतना पेन हो रहा है ना, इतना पेन हो रहा है कि बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सुबह का ही उठे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम करना था। और हमारे घर में आज गाइस आप लोग को पता है हमारे घर में ना आज बहुत बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटने से बच गए, नहीं तो कोई ध्यान सोनाक्षी नहीं देखी होती तो एक तो सोनाक्षी की आँख में पटाखा चला गया और एक तो क्या बोलते हैं ये निकालने से आँख कितना आराम मिल रहा है यार। अच्छा हुआ जो हमें आपसे बोली थी लगवाने के लिए हम नहीं लगवा रहे हैं ना? क्या? तो सुना एक तो मेरा जो क्या बोलते हैं वाशिंग मशीन में आग पूरा फैल गया। दिखा दो वाशिंग मशीन यार, अभी दिखाते हैं और बोलिए हम निकाल लेंगे। किट्टो आपका ब्लाउज काफी खूबसूरत लग रहा है, दिखाना बैक से। पहले ये निकाल दो आप, दिखाओ तो सही बैक से। काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है। तो किट्टो है, किट्टो अच्छा ही डिजाइन सब कुछ सेलेक्ट करती है, जो भी करती किट्टो का शुरू से आदत है, जो चीज करती है बस खाली है ये है कि थोड़ा बहुत और चीजें नहीं आती है, बट वो भी धीरे धीरे समय के अनुसार आ जाएगा। ओके किट्टो, मेरा हर शुरू से ही हर चीज अलग रहता है, इसमें नहीं था यार। वंदना दिन के पास है किट्टो रानी ने गाइस जिन लोग को नहीं पता इसके अंदर देखो क्या नकली सा लगा होता है। मैंने उसका नहीं लगाया, मैंने अपना वाला लगाया, मेरे पास ये मेरे शादी का है, पता है आपको ये जो अच्छा शादी वाला ही चल रहा है, मेरे शादी का है। मैंने ये लोग छोटा छोटा लगाते हैं, ये मेरा जो है ना ये शादी का है। वैसे किट्टो जी एक चीज बताएं आपको, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे। थैंक यू। एक बार आपसे कुछ कहना चाहेंगे। क्या? आई लव यू। मेकअप करवा दो, इतना टाइम लगता अब उखाड़ने में, थोड़ा हेल्प कर दो। अब यार ये गजब हो गया, कैमरा लगा दो। क्या कह रहे थे, इधर आओ, क्या कह रहे थे, इधर आओ, क्या कह रहे थे चाचू का बेटा ऋषभ से, क्या कह रहे थे किट्टो पता है? यहाँ आओ। हाँ, यहाँ आओगे, इधर आओ, सुनोगे? कहाँ गए? हम हमारे ऊपर हक जताते हैं ना ऋषभ बाबू। इनका देखिए कितना हल्का लगा था, मुझे ना जो लगा था ना मेरे शादी का था तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा पहले। लेकिन एक चीज है यार, ये हम लोग का घड़ी पीछे का, इसमें 11:15 हो रहा है। ये सब निकालो पहले। हाँ, हम लोग का घड़ी पीछे है क्या, इसमें 11:15 हो रहा है। आराम से निकल रहा है, इसको निकाल दो। खराब है किट्टो, हम 10:30 रहे थे, देखो 11:15 हो रहा है। एक ना आप डब्बा हो इधर डब्बा। किट्टो तुम कुछ कह रही थी हमको कुछ करने के लिए। अरे यार हम जा रहे थे बाथरूम, तो दीदी कहीं पहले निकाल दो मेरा कपड़ा चेंज कर दो, मेरा पानी पिला दो, कपड़ा लेकर आओ, लेकर आओ, ला रहे हैं तुम जाओ, दोनों लेकर आते थे, थोड़ा सा देर लगा देते तो देख रहे ना वीडियो के टाइम पे। तो गाइस चलिए देखिए, मैं पूरा मेरे पास दो दो शीट हो गया है, अब दोनों के मैंने वो शीट लिया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमको लग रहा है हम लोग कलर से ज्यादा सुंदर लग रहे थे ना। हाँ। चाचा टाइम लैप्स लगा दूंगा, ये चीज मुझे भी लग रहा। सो गाइस हमने अपना फेस वॉश वगैरह करके मैं सोने वाली थी, तब से अचानक से मेरी नाना जी का कॉल आया, बोली कि रात में काजल लगा, क्योंकि हम लोगों में ना ये होता है कि काजल लगा के सोते, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग थक गए बता नहीं सकते हैं। और पतिदेव हमारे सो गए, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल चलाते चलाते ये सो गए हैं, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इनकी आँखों में काजल लगाऊंगी और खुद भी लगाऊंगी। ओह माय गॉड, इतना शरीर थक गया है कि बता नहीं सकते हैं। तो किन किन लोगों के घर, अरे ये काजल लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग बहुत ज्यादा थक गए, इतना ज्यादा थक गए कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो हम जा रहे हैं, उठते हैं, इतना हिम्मत नहीं है कि उठ करके पूरा अच्छे से मुंह धुल लिए, लग ही नहीं रहे कि हम वही किट्टो हैं, ऐसा लग रहा है कोई और है। चलिए दोस्तों हम जाते हैं, पहले इनको काजल लगा देते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा।
सो गाइस ये थोड़ा सा मैंने जो काजल है ये काजल जरूर लगाया, और ये काजल ऐसा माना जाता है कि जैसे कि ये अमावस्या की रात का काजल होता है, अगर कभी कोई चीज़ का सांस की बीमारी, कभी कोई चीज़ की बीमारी होती, ये थोड़ा सा काजल लगा दो तो उसका ये सब सही हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो नहीं बताती। अब मैं पतिदेव को लगाने जा रही हूँ। ए जी ये रुक जाओ, ये लगा लें, उठो उठो, ये लगाना शुभ माना जाता है, हम भी लगा के सोएंगे। आओ सुनिए, उठिए, दो मिनट के लिए उठ जाइए बस। मैं लगा ली हूँ और अपने पतिदेव को भी लगा दी। दीदी बोली लगा दे लगा दो, मेरे नेल की वजह से नहीं लग पाया है, तो गई सोनाक्षी अब लगाएगी। ऋषभ को लगाया, ऋषभ को ऐसे करके लग गया, बहुत हंसी आ रही थी। अब क्या देखो ये क्या हो गया। सो गाइस अब चलते हैं हम लोग सोने के लिए, बहुत काफी लेट हो गया है, फिर हम आप लोग से सुबह मिलते हैं। ओके सो गाइस सुबह हो गया है, सुबह क्या 12 बज गया है। ब्लाउज ना बड़ा बढ़िया सिलता और है ये कह रही है ब्लाउज बहुत बढ़िया सिलता है ना, ब्लाउज बहुत बेस्ट सिलता है और मस्त सिलता है, फिटिंग तो गजब करता है इसका, और जरा सा भी कोई खिंचावन नहीं रहता है। और प्राइस भी इसकी बहुत सस्ती है, 250। बता दो तुम क्या होगा। ठीक है, मतलब जिसका आपसे रिलेटेड चाय के साथ जो भी खाना कुछ रहा है आपको लेकर आना चाहिए। एक ब्रेड होगा ना फ्रिज में, काफी दिन का ब्रेड खराब तो होना होगा, ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड जल्द, ब्राउन ब्रेड यही होता है कि जल्दी खराब होता है, पता है कि नहीं, उसका टाइम होता है, वो एक ही हफ्ता 5-6 दिन का रहता ही है। तो गाइस अब हमको पूरी मतलब रूम मेरा बहुत फैल रहा है, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। अब मैं ये बिस्तर वगैरह सब कुछ सफाई कर दी हूँ, आज गोवर्धन पूजा, लेकिन मेरे को कन्फ्यूज में था कि हमको लगा था गोवर्धन पूजा और भैया तो एक दिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो गाड़ियों की पूजा तो दिवाली वाले दिन ही होता है। अब पतिदेव से बोल रहे हैं कि स्कूटी और गाड़ी है तो रुक जाओ साथ में, सब लोग पूजा कर लेंगे, लेकिन नहीं इनको जाना है ड्यूटी, क्योंकि इनके जो दोस्त है, कौन है जी, इनके ड्यूटी का जो चूहा सिंह है उनको जाना है। तो गाइस मैं आपको बता रहे थे ना कि हमारा वॉशिंग मशीन जल गया, देख रहे हैं ऐसे करके इतना जल गया था, अगर नहीं सोनाक्षी देखी होती तो आज बुरा हमारे, सबसे पहले हमारा बेड जलता, इसी के जस्ट बगल में बेड है, बेड जल जाता, उसके बाद सोनाक्षी की आंखें चली जाती। सोनाक्षी करी मेरा आग फूट गया, मेरा आग फूट गया, मेरा आग फूट गया, रात भर रही थी बेचारी, अच्छे से दिवाली भी नहीं मना पाई। कोई नहीं, अगली दिवाली पे इतना ढेर सारा पटाखा रखा, अगली दिवाली पे बना लेंगे। वही बात नहीं, दीप दीपावली आएगा, एकादशी आएगा, एकादशी दिवाली कब है, 15 तारीख को है, तो उस दिन भी आप लोग अच्छे से मना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले रंगोली बनाते कैसा हो गया, सब पूजा उगा कैसे हो गया, बिना नहा दो तो मंदिर छुएंगे नहीं, बिना नहा क्या। मैं सोच रही हूँ की आज फिर रंगोली बनाए क्या, बना लेना जरूर, मिलते हैं कुछ देर में आप लोगों से। ये जा रहे हैं ड्यूटी, देख रहे हैं आज के दिन कुछ होता नहीं है, लेकिन ये ड्यूटी जाएंगे, ये घुसेड़ दो मुंह के अंदर, हम घुसेड़ देंगे ही। हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सभी को, आपके पूरे फैमिली को, ये तो बोलेंगे नहीं, हम ही को बोलना पड़ेगा। इधर लाओ कैमरा दिखाओ, गाइस देख रहे हैं मेरे घर के पहलवान को। पहलवान जी, पहलवान है चाहे जो भी हैं, हुए तो शादी के बाद है ना, शादी के पहले तो थे नहीं, शादी के बाद तो फिर चलना फिरना ज्यादा रहता था, ये नहीं कि यहाँ दो रूम के घर के अंदर बैठी रहो। जितना चलोगे फिरोगे, जितना एक्टिव रहोगे, उतना ही शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब बना खा करके बिस्तर पे लेटो, और कहीं नीचे उतरने की जल्दी देते नहीं। सोना आप कैसे बाबू, सही है, इंसान को शादी के पहले कोई चीज की जल्दी मेडिसिन वगैरह खानी नहीं पड़ती, लेकिन शादी के बाद हर चीज का मतलब कि हर बात शरीर पे मतलब प्रभाव आने पड़ता है, इसका दवा खाओ उसका दवा खाओ, ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे करो ऐसे करो। शादी पहले बस खाली क्या होता था कि मेरे को थोड़ा सा जब मौसम चेंज हो जाता था तो थोड़ा ये सर्दी जुखाम और सांस फूलता था, बट तो दवा वा कहते थे सही जाता था, लेकिन शादी बात तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। नहा लिया है, पूजा वूजा भी कर लिया है, रूम भी बहुत अच्छे से साफ कर दिया है, जो पूजा वगैरह हुआ था कपड़े उपड़े भी धो लिया, कपड़े भी धो लो के सब्राज पहन कल कई पैर कपड़े पहनो फिर फैल जाता है। और यहाँ पे तो अभी सफाई हो रही है, घर सफाई नहीं हुआ था, और मैं गर्म नींबू पानी पी रही हूँ क्योंकि मेरा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप मेरे को दाल भिगोने के लिए, ये दाल की कढ़ी बन क्योंकि ना ये दाल भिगोना है, उड़द के दाल की कढ़ी, और नीचे इतना भीड़ लगा है कि आपको बता नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा भीड़। एक तो
यहाँ भंडारा उसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगा है, सब लोग प्रसाद बांट रहे हैं, ये प्रसाद देखो आके यहाँ पे रखा है, यहाँ चावल और छोले हैं, ये प्रसाद है, बट मैं अभी इसको नहीं खाऊंगी, अभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ, दाल भी कितना दाल भिगोना है, एक पाव डेढ़ पाव भिगोना है दाल, आधा किलो से कम भिगोना है, मैं भिगो गई आप लोग से ये पता नहीं क्या, ये परवल का मिठाई है और ये पानी पी रही है खा करके। अभी तो हम फ्री हुए हैं, काम ही कर रहे, कपड़ा धो रहे हैं, दिवाली के दूसरे दिन घर बहुत गंदा हो जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं, अरे प्रसाद यहीं बटर था, क्या हुआ, बट गया, देख रहे हैं कितनी इस गली में ना पूरी गाड़ियों की भीड़, बहुत सब लोग अपने गाड़ी को धो रहे हैं, सभी लोग, इधर ऑटो वाले भैया, इधर मार्शल वाले भैया, इधर इधर गाड़ी गाड़ी। कल तो मेरा स्कूटी लेकर गए क्या हो, वो कल धुलवा दिए, मतलब धुलवाने गए थे, कल ही धुलवा लिए थे, लेकिन यहाँ पे नियम दूसरा ही है, यहाँ होता है नहीं, हम लोग के यहाँ नहीं होता है, हम लोग के यहाँ की जिस दिन दिवाली होता है उसी दिन गाड़ी की पूजा होती है, उसी दिन दूसरे दिन थोड़ी ना होता है, यहीं पे ऐसा हुआ है, मैं तो यहीं पे ऐसा देख रही हूँ, बाकी कहीं हमने ऐसा नहीं देखा था, सब लोग गाड़ी धुल रहे हैं, सब लोग मिठाई नहीं, इधर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे कि रंगोली बनाई, कैसी, नहीं आज रंगोली नहीं बना रहा है, देखिए बंदा दिखा रूम एकदम चेंज हो गया है, एसी का कवर भी लग गया, अरे वाह, ये कहाँ से लेकर आए हैं, पार्कर कट गया, अच्छा जनरल का है, एकदम फिट फाट, कल कब बनाए रंगोली, कल कब बनाओगी, आज गोवर्धन पूजा है ना, तो बनाए, नहीं नहीं भैया तुम बाबा, एक मंदिर होना चाहिए, हाँ जब अच्छे से घर हो जाएगा तब, ऐसे देख रही हो सब एकदम फैला फैला लगता है, चाचा को जरूरत क्या थी, यही कबाड़ भूख मिला था क्या, अच्छा सब किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते हैं, बट जैसे फैमिली बढ़ रही है, सामान बढ़ रहा है, तो घर छोटा हो रहा है ना, रिसब को बहुत लूज मोशन हो रहा है ना रिसब, सो गाइस बहुत ज्यादा जैसे थका है, इतना लेट में उठे हैं क्योंकि ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात में, इतना ज्यादा जैसे कि तैयार व्यार होना, सुबह से उठना, सब लोग काम करना, फिर करते करते हम लोग रात में अचानक से फ्री हुए, फिर सो गए लेट में उठे हैं, अब साला एकदम जीने पे पूरा तेल ही तेल पूरा गिर गया था, जितना तेल मतलब दिया में डाल के रखे थे ना, कोई आया पैर से मार दिया, पूरा तेल ही तेल हो गया था, पूरा जीना साफ करना, रूम साफ करना, रूम में पूरा जैसे जो पूजा हुआ था उसमें पूरा जो होता है ना कि जिस दिन पूजा होता है उस दिन तो उसकी सफाई तो जमीन की नहीं कर सकते हैं, बट उसके दूसरे दिन कर सकते हैं, तो इधर का जो इनका कपड़ा उपड़ा धुलना उलना था अपना धुल उल रही हैं, और हम लोग तो सुबह ही अपना, हमको क्योंकि हमको सुबह पूजा करना रहता है इसलिए हम लोग सुबह ही नहाना धोना पूजा पाठ करना सब कुछ करना होता है, भले ही काम बाद में लेकिन पूजा पाठ जरूरी है जो सुबह करना, तो मेरा गर्म पानी बात करने के चक्कर में मेरा गर्म पानी भी, अभी हम चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिए हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा कल वो लड़का आया था ना, बोला कि ना आपके, हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप किस चीज़ का दवा खाती हैं, किस चीज़ का दवा खाती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, उसी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए मैं दवा खाती हूँ, तो आप लोग उस दिन कमेंट बहुत सारे लोग बोले कि दीदी आप किस चीज़ का दवा खा रही हैं, किस चीज़ का दवा खा रही हैं, तो मेरे इन्फेक्शन का दवा खा रही हूँ, आज नींबू कभी कभी नींबू पानी कैसा लगता है जैसे कि नींबू पानी पी लेते हैं, मेरे साथ नहीं, मेरी आदत है ना पीने का, तो गाइस मिलते हैं नींबू पानी खत्म हो जाने के, तो फैमिली आप देख सकते हैं रिषभ को बहुत ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से रिषभ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, और ये खूब तेल हो रहा है, ये एक दिन इतना सुंदर लगा इसीलिए इसको सजा के नहीं रखते हैं लोग, अपने बच्चों को भी इसीलिए सजा के नहीं, सोनाक्षी को भी तैयार करते बीमार पड़ जाती है, सोनाक्षी थोड़ा कम अच्छी लगती है लेकिन
आप लोग बोलते हैं सोनाक्षी के पास कपड़ा है, कपड़ा इसके पास बहुत। सोनाक्षी के पास कपड़ा तो बहुत है लेकिन ये नाटकबाज है। पहले ये चढ़ा के पहने ढंग से नहीं पहनती कोई कपड़ा। हाँ ये इसकी आदत खराब लगती है ना। और इसे वो कुछ भी पहना दो कुछ भी पहन लेता है लेकिन बेचारा बीमार हो जाता है। कल बहुत सुंदर लग रहा था, अगर चंदन लगाता ना तो और चार कपड़ा पहना है ना जी। कितना पहने हो? तीन कपड़ा पहना है। सोनाक्षी पूरे हम भी पहनेंगे भैया, हम भी क्योंकि ठंडी आ गया है। और कल हम लोग इतना ज्यादा हम लोग भी नेट वाली साड़ी उड़ी वगैरह पहने थे। मुझे ना हम सही बात है किट्टो, जैसे कि हम करना चाहते थे जैसे हम बीमार पड़ गए थे ना, मेरा तबियत खराब है कल तुम्हें हो रहा था ना। अरे मेरे को ना जैसे ना शरीर ने से उठ ही नहीं रहा है ऐसे मेरे साथ, ऐसे ना हमारे जैसे ना कोई हम किसी से सुई लेके धसा हुआ सर और में नहीं हो रहा था मेरे ना, जैसे कि ना ये चीज में ये कंधा गला ये सब दर्द कर रहा था। हमें कल ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी कल भी अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी है ना सर। दिन हम तो बीमार पड़ गए थे सच में। हाँ दिन तो हम तो किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, एक्साइटेड तो बहुत थी लेकिन कर नहीं पाई बेचारे। हम लोग अरे कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। अब देखो कल इतना एक्साइटेड है सोनाक्षी के आगे पड़ाका लग गया, वॉशिंग मशीन जल गया तो इसीलिए सोफा सीट के नीचे आ रहे का सोफा सीट के नीचे से धुआं निकल रहा है, हम लोग नजर पड़ गई। हाँ ये बात सही है, तो ऐसा होता क्यों है? ऐसे ही होता है, जो होता है चलो भगवान के दया से सब कुछ सही होता है, फिर सब सही हो जाता है। अब हम जा रहे हैं चावल डालने खाना बनाने, क्योंकि टाइम भी हो गया खाना बनाने के लिए। तो सो गाइस मेरा दाल भी लग रहा है फुलके तैयार हो गया है, मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूख लगने जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सोनाक्षी तो सोनाक्षी तो मिठाई भी खा के एकदम पेट भरी हुई है ना सोनाक्षी? हाँ भरे खाना। तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग अगर आप लोग को देखना रहेगा तो जरूर देखिएगा। और दिवाली के बाद हम लोगों की कुछ हालतें ऐसी हो गई है कि जो काम करने के लायक भी नहीं है, एकदम लथपथ शरीर लग रहा है। आप लोग भी ऐसे हो गए होंगे हमको पता है, क्योंकि जिस दिन फेस्टिवल होता है ना उस दिन टाइम पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो गया कब रात हो गया कुछ नहीं पता। तो आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पे छोड़ते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके फटाफट देखिए किट्टो अमित जयसवाल, अमित किट्टो जयसवाल, ये हमारा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।